बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ बुक D2। टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15। ऑल दीज आर क्वेश्चंस अबाउट स्केल ड्राइंग। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नंबर 9, अ मॉडल ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड टू अ स्केल 1:80। इफ़ अ विंग स्पैन ऑफ अ मॉडल एयरक्राफ्ट इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द विंग स्पैन ऑफ एन एक्चुअल एयरक्राफ्ट गिविंग योर आंसर इन मीटर्स। इसमें आ रहा है, एक मॉडल बनाना है हमने एयरक्राफ्ट का। स्केल उन्होंने हमें प्रोवाइड किया गया हुआ है 1:80, और जो है ना ये उसका विंग स्पैन उन्होंने बताया है कि 25 सेंटीमीटर है। हमने उसकी एक्चुअल बतानी है और अपने आंसर को जो है ना वो हमने रिप्रेजेंट करना है इन मीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो स्केल प्रोवाइडेड है वो है हमें 1 सेंटीमीटर। रिप्रेजेंट्स, ये एक मॉडल बना हुआ है। मॉडल बनता है फिर उससे जो होते हैं ना वो बनते हैं प्लेन्स वगैरह ना, कि उसके एक ये मॉडल जो है ना वो रिप्रेजेंट का जो 1 सेंटीमीटर है ना वो कितना है 80 सेंटीमीटर के। ठीक, ये 80 सेंटीमीटर के है और 25 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, और वो कह रहे हैं हम 25 को मल्टीप्लाई कर दें 80 के साथ। ठीक है, ये अभी सेंटीमीटर ही है, हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। 25 मल्टीप्लाई बाई 80, वी गेट 2000। हमारे पास ये आ गया 2000 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 20 मीटर्स। ठीक है, 20 मीटर्स आ गया। दी विंग स्पैन ऑफ एक्चुअल एयरक्राफ्ट इज 20 मीटर। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका जो है ना वो आंसर हो गया, यही हमने फाइंड आउट करना था, विंग स्पैन ऑफ एक्चुअल एयरक्राफ्ट 20 मीटर। ठीक है, गिविंग ए मीटर्स में भी आंसर कर लिया और एक्चुअल भी फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 2, इफ द लेंथ ऑफ एक्चुअल एयरक्राफ्ट इज 40 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ मॉडल एयरक्राफ्ट। अब उन्होंने हमें एक्चुअल जो है ना वो दे दी हुई है, कह रहे हैं कि 40 मीटर का जो है ना वो प्लेन है, तो आप इसका मॉडल बताएं कि वो मॉडल पे किस तरह होगा। पार्ट नंबर 2, 80 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक, और आप इसको सेंटीमीटर्स को जो है ना साथ ही मीटर में कन्वर्ट कर लें। 0.8 इसको आपने जो है ना 100 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 0.8 मीटर। ये इस तरह हो गया, और 1 मीटर जो है ना इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, इस तरह आ गया। और अब आपने इसको क्या आपको दी प्रोवाइड क्या किया गया हुआ है, 40 मीटर आपको दी गई हुई है एक्चुअल लेंथ, तो वो फिर 40 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, इसको हमने मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि जो हमें दी गई लेंथ है वो मीटर्स के अंदर है और हमने फाइंड आउट भी करनी है मीटर्स में, फिर हमें अपना आंसर मीटर में लाना है। इस वजह से हमने इसको जो है ना ये मुझे सेंटीमीटर में कर दिया गया था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर ली। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 40 divided by 0.8, we get 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारा उस पर अब आ गया मॉडल एयरक्राफ्ट का लेंथ ऑफ मॉडल एयरक्राफ्ट, ये हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 10, अ मॉडल ऑफ अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट ऑफ अ पेनिसिल एट डक्सटन हाउसिंग प्रोजेक्ट इज मेड एट अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर to 7.5 मीटर। द हाइट ऑफ द मॉडल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इज 41.6 सेंटीमीटर। फाइंड, अब फाइंड आपने करना है 0.1 में एक्चुअल हाइट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द फ्लैट। अच्छा, इधर हमने उन्होंने एक मॉडल दिया हुआ है फ्लैट का, जो कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है ना वो प्रोजेक्ट है, और वो मॉडल क्या है,
स्केल उसका भी प्रोवाइड किया गया है, 2 सेंटीमीटर जो है ना वो 7.5 मीटर पर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हाइट ऑफ दी जो मॉडल ब्लॉक है ना वो भी उन्होंने फ्लैट की दी हुई है 41.6, ठीक है। ये मॉडल की उन्होंने हमें प्रोवाइड की गई हुई है और हमने जो है ना वो एक्चुअल फाइंड आउट करनी है, ठीक स्टूडेंट्स। इधर इस तरह होगा कि ये जो है ना 2 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट नंबर वन, रिप्रेजेंट कर रहा है 7.5 मीटर को, ठीक स्टूडेंट्स। और 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब जो 7.5 पे जो है ना वो 2 डिवाइड होगा, 7.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपने इसको किया 7.5 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट 3.75, ठीक है। ये आपके पास आ गया 3.75 और ये 7 मीटर्स भी, ठीक। अब आपने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल हाइट, और ये आपको मॉडल की दी गई हुई है 41.6, ठीक। मॉडल की दी हुई है, ये फिर इसको से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रिप्रेजेंट 3.75 मल्टीप्लाई बाय 41.6, ठीक है। 3.75 मल्टीप्लाई बाय 41.6 और ये हमारे पास आंसर आ गया 156 मीटर्स में, ठीक स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास एक्चुअल हाइट आ गई, एक्चुअल हाइट ऑफ फ्लैट, ₹156 मीटर्स, ठीक स्टूडेंट। ये आ गई अब पार्ट नंबर टू में, द हाइट ऑफ अ मॉडल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इफ इट्स मेड टू अ स्केल ऑफ 5 सेंटीमीटर टू 12 मीटर, ठीक। अब इधर जो है ना उन्होंने स्केल चेंज कर दिया है, जो हमें पहले प्रोवाइडेड था 2 सेंटीमीटर तो वो 7.5, स्केल भी चेंज कर दिया है और साथ उन्होंने कहा है कि वो जो है ना एक्चुअल जो है ना वो भी आप बताएं, ठीक। तो वो अब हम अपने न्यू स्केल के मुताबिक लिखेंगे, ठीक। वो है कि 12 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंटेड हो रहा है किससे, 5 सेंटीमीटर से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक। और 1 होगा 5 बाय 12, ठीक। और 156 को अगर आपने फाइंड आउट करना है, वन बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 156, ठीक स्टूडेंट्स। इसको आप सॉल्व कर लें, 156 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 780 डिवाइडेड बाय 12, ये आपके पास आ गया 65 सेंटीमीटर, ये आप मॉडल में आ गया, ठीक। और ये जो 156 है ना, ये आपने ऊपर फाइंड आउट किया, एक्चुअल हाइट फाइंड आउट की है, उसका उन्होंने नया स्केल प्रोवाइड किया आपको, ठीक है। उन्होंने न्यू स्केल आपको प्रोवाइड किया और कहा है उसके मुताबिक जो है ना आप वो मॉडल की जो है ना वो हाइट बताएं, ठीक। एक पहले मॉडल की हाइट दी गई हुई थी और उससे एक्चुअल हाइट फाइंड आउट की, एक्चुअल हाइट फाइंड आउट होगी और उससे जो है ना एक नया वो स्केल दे के उन्होंने कहा है कि जो है ना वो मॉडल की हाइट फाइंड आउट करें, और ये 65 सेंटीमीटर जो है ना वो आ गया, ठीक है। ये मॉडल ब्लॉक और फ्लैट हो गया, ठीक है। दी मॉडल हाइट ऑफ फ्लैट इज 65 सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, एक्सप्रेस द स्केल ऑफ अ मैप इन अ फॉर्म 1/n, वेयर n इज एन इंटीजर्स। इधर आपको जो है ना वो एक मैप दिया गया हुआ है, मैप का स्केल दिया गया है जो 4 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर है। आपने अपना जो स्केल है मैप का जो है ना उसको इसकी फ्रैक्शन में की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले जब हमने फ्रैक्शन में लिखने से पहले ना हमारे ये जो दोनों यूनिट्स हैं ना ये सेम होनी चाहिए, कि इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर हो, इधर किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर हो, तब जो है ना हम उसको अपनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अंदर जो है ना वो लिख सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई हमें फ्रैक्शन दी गई हुई है ना, रेशो दी हुई है, जैसे 1/2 प्रोवाइड किया गया हुआ है, तो आप इसको यूँ फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है ना हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक स्टूडेंट्स।
ये इधर आ गया इफ अर, पहले हमने इसको स्केल में जो है ना उसको राइट डाउन करना है. पार्ट नंबर वन में जो है ना अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर. ठीक है, ये इधर आ गया 4 सेंटीमीटर की रेशियो है 1 किलोमीटर. ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करें 100 से मल्टीप्लाई और फिर सेंट मीटर में कन्वर्ट करें 1000 से मल्टीप्लाई और फिर उसको आगे सेंटीमीटर में करें तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 50 जो है ना वो होंगे. ठीक है, ये इधर 10,000 आ गया. 1 किलोमीटर जो है ना इसके, ये फिर आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर. ठीक, ये हो गया. अब जो है ना हमने इसको जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना है. फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 4, 5. ठीक है, ये हमारा जो है ना ये हो गया, ये फ्रैक्शन में जो है ना वो रिप्रेजेंट हो गई और इसको हम मेंशन भी कर देंगे ये जो है ना हमारा स्केल है. ठीक, ये स्केल है हमारा मैप का. द स्केल ऑफ मैप इज इक्वल टू, इसको आप जो है ना आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं कि 4 by 10,000 है ना, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये जो है ना कैंसिल आउट होगा और इसके बाद जो है ना ये 4 1 4 और 2 आगे गया 25 आ रहा है. ठीक है, 1, 2, 5 और 0. ठीक है, ये 4 1 4 ये आगे, ये 4 2 8 2 आगे गया और 4 5 10. ठीक है, ये 100 जो है ना कैंसिल हो गया, 4 25 100 और ये 3 0 7. ठीक है, ये 2500 आ गया. ये आपका जो है ना पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया. आपने जो है ना स्केल फाइंड आउट कर लिया और ये जो है ना वो उसका स्केल आ गया. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2. इफ़ अ रिवर हैज़ अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, फाइंड इट्स एक्चुअल लेंथ गिविंग योर आंसर इन किलोमीटर. अब एक लेंथ दी गई हुई है मैप के ऊपर 3 सेंटीमीटर और वो कह रहे हैं कि जो है ना उसको आप बताएं कि वो कितनी है, एक्चुअली कितनी है, और अपना आंसर जो है ना वो आपने किलोमीटर में देना है. ठीक है, तो फिर आप पार्ट नंबर 2 में ऐसे लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 by 4 किलोमीटर. ठीक, और 3 सेंटीमीटर्स को आपने रिप्रेजेंट करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो है ना फिर 3 को 4 पर डिवाइड करें तो 0.75 आता है. ठीक है, ये किलोमीटर्स में आ गया. करके देख लें, 3 divided by 4 वी गेट 0.75. ठीक, ये आ गया आपके पास 0.75 किलोमीटर और ये आपने जो है ना अपना आंसर किलोमीटर में फाइंड आउट कर लिया और एक्चुअल लेंथ ये जो है ना, आप बेशक लिख लें इसको एक्चुअल लेंथ ऑफ रिवर 0.75 किलोमीटर. ठीक है, पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया. पार्ट नंबर 3, इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 towns इज 8 किलोमीटर, कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप. ठीक है, ये इधर इन्होंने आपको डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया हुआ है 2 towns के 8 किलोमीटर में और वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है आपने मैप पे जो है ना वो फाइंड आउट करना है. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, ये 1 किलोमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंटेड हो रहा है बाय 4 सेंटीमीटर के. ठीक है, और 8 किलोमीटर आपको प्रोवाइड किया गया है ना, तो आपने 8 किलोमीटर का फाइंड आउट करना है. इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 multiplied by 8, तो ये आपके पास आ गया 32 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल, तो फिर ये आंसर भी आ गया, द डिस्टेंस ऑन द मैप 32 सेंटीमीटर. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉल्व. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, अ मैप ऑफ अ सिंगापुर इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:4
Question number 12, students, a map of a Singapore is drawn to a scale of 1:18 Now, students, question number 12. A map of a Singapore is drawn to a scale of 1:180,000. Given that the length of a circle mass rapid transit line is 35.7 km, find the corresponding length of the map, leaving your answer correct to 2 decimal places. ठीक students, ये इधर जो है ना अब हमें आ गई है, उन्होंने दी हुई है, actual दी हुई है, scale भी provided है, और हमने जो है ना इसको map पे find out करना है. ठीक है, very simple. पहले आप अपने scale को बता दें कि ये किसको क्या represent कर रहा है. ठीक, एक्चुअल हमें प्रोवाइडेड है और हमने जो है ना उसको जो है ना स्केल पे मैप पे जो है ना उसको फाइंड आउट करना है. ठीक, ये हो गया 180,000 जो है ना सेंटीमीटर, इसको आप उसमें किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो इसको 50 के साथ डिवाइड किया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास आ गया 1.8 किलोमीटर. ठीक है, इसको पहले मीटर्स में काट लें और फिर जो है ना वो किलोमीटर्स में काट लें अपनी इजी करने के लिए. ठीक है, इसको इस किलोमीटर को रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक, इसको रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है किससे, 1 सेंटीमीटर से. ठीक है, और हमें दी गई है 3.1 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/1.8 और इधर हमें प्रोवाइड की गई है 35.7 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.8 × 30.57. ठीक है, ये जो है ना आपने इधर 35.7 डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक, ये आपके पास आंसर आ गया 19. अब उन्होंने साथ ये भी डिमांड की है कि आपने जो है ना बस 2 decimal places तक जो है ना वो आंसर देना है, तो इट्स मींस कि ये आपने लिखना है 19.83 और यूनिट सेंटीमीटर्स. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी. Given that the distance between Sentosa and Changi ferry terminal is 13.5 cm on a map, calculate the actual distance between Sentosa and Changi ferry terminals. Try giving your answer in kilometer. ठीक है, इधर जो है ना आपको उन्होंने दिया गया हुआ डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया हुआ मैप का, और आपने जो है ना वो एक्चुअल फाइंड आउट करना है. स्केल आपको प्रोवाइडेड है कि 1 सेंटीमीटर भी दिया गया हुआ है आपको, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर टू. ठीक है, ये आपको स्केल प्रोवाइडेड है जो है ना 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.8 किलोमीटर को. ठीक है, आंसर हमने किलोमीटर में देना है, इसलिए हमने पहले भी अपने स्केल को इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया था. आपने इसको जो है ना इसको 1.8 किलोमीटर यूँ लिख लेना है. ठीक, और उसके 1 सेंटीमीटर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपने इसका करना है 13.50. ठीक, ये रिप्रेजेंट 1.8 × 3.50. ठीक है, ये किलोमीटर में आपका जो है ना ये आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना वो आपका आंसर 1.8 × 13.50. ठीक, ये आंसर आपके आ गया 24.3 किलोमीटर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू इज आल्सो, पार्ट नंबर टू इज आल्सो सॉल्व्ड. पार्ट नंबर थ्री, द एक्चुअल एरिया ऑफ सेंटोस लैंड इज 5 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया ऑन अ मैप. ये आपने उन्होंने एक्चुअल एरिया आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि इसका जो है ना एरिया मैप पे फाइंड आउट करें, और अपना आंसर जो है ना वो 2 decimal places तक जो है ना उसको प्रोवाइड करें. ठीक स्टूडेंट्स,
और जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर थ्री, ये आपको पता है आपका जो स्केल आपको प्रोवाइड किया गया है वो ये है कि 1.8 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और 1 किलोमीटर को अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 1.8, ठीक स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है ना, आपने इधर फाइंड आउट करना है उसका एरिया, फाइंड आउट करना है 5 का, बल्कि एरिया के लिए आपको स्केयर लेना पड़ता है, ठीक है। एरिया की जो यूनिट होती है ना, वो स्केयर के अंदर होती है। आप इसको जो है ना पहले स्केयर में कन्वर्ट कर लें। 1 किलोमीटर स्केयर इज रिप्रेजेंटेड बाई 1.8 का स्केयर, ठीक। ये इधर स्केयर आ गया, 1 किलोमीटर स्केयर आपने लिया, तो फिर इसके बाद 5, क्योंकि 5 ऑलरेडी किलोमीटर स्केयर्स में है, ठीक। 5 को आपने लिए, 5 से मल्टीप्लाई के 5 किलोमीटर स्केयर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक स्टूडेंट्स। ये आ गया, आप इसको सॉल्व कर लें। 5 को आप जो है ना 2 टाइम्स जो है ना 1.8 पे डिवाइड कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 1.8 और फिर डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक। ये आप 1 सेंटीमीटर, इधर भी यूनिट्स लगा लें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स हो गया, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक स्टूडेंट्स। ये आप क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 जो है ना वो आपका सॉल्व हो गया, और वो इन्होंने 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ना वो आंसर की डिमांड की हुई थी, वो आप जो है ना इसका ले आए, और ये पार्ट नंबर 3 भी जो है ना ये आपका सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस द स्केल ऑफ अ मैप इन अ फॉर्म 1:n, वेयर n इज इंटीजर्स, ठीक है। ये जो अब हमने रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये सेंटीमीटर्स और ये किलोमीटर्स में है, इसको जो है ना हमने वो किलोमीटर में जो है ना वो कन्वर्ट, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देना, कि अपने यूनिट्स को जो है ना वो हमने जो है ना वो सेम कर लेना, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो है ना 3 किलोमीटर्स, ठीक है, कि 2 सेंटीमीटर की जो रेशियो है ना 3 किलोमीटर के साथ है। इसको किलोमीटर को जो है ना वो हमने तभी इसको हम रेशो में करके, कि इसकी यूनिट सेम होती है ना, तब हम जो है ना इसको कि एक स्केल जो है ना वो उसको कह सकते हैं, इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना हमारा स्केल जो है ना वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर जो है ना ये 3, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। और इधर रेशियो में रिप्रेजेंट करना है हमने, ये 1:n, और ये इधर हो गया जिसको हमने 1:1 में करना है, ठीक है, 1:n। तो इट्स मीन्स के जो है ना इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 15,
31, 2, 3, 4, ठीक। और ये जो है ना हमारा ये प्रेजेंट हो गया, और यही जो है ना आंसर है हमारा पार्ट नंबर वन का। जो डिमांड थी हमने उनकी पूरी कर दी, हमने उसको रेशियो में जो है ना वो रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर टू, इफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन 7 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, गिविन योर आंसर इन किलोमीटर। अब डिस्टेंस दिया गया है दो टाउन्स का जो है ना वो 7 सेंटीमीटर, और हमने एक्चुअल जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैप पे जो है ना 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 किलोमीटर, लिख लें, ठीक है। इसको वही 5 पे डिवाइड किया तो ये इधर 1.5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये इसको किलोमीटर्स में राइट डाउन कर लें, क्योंकि आपने अपना आंसर जो है ना वो किलोमीटर में देना है, ठीक। और इधर 7 सेंटीमीटर जो है ना वो आपको प्रोवाइड किया गया हुआ है, 7 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1.5 को जो है ना वो 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ये सारे जो है ना वो स्केल ड्राइंग के जो है ना वो पसंद है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 7, कैसे हमने स्केल्स ड्रॉ करने हैं, और अगर स्केल हमें कोई मैप वगैरह प्रोवाइड है तो हमने रियल तक किस तरह जो है ना वो सेस हमारी होगी, ठीक है। और ये आ गया हमारा एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज इक्वल टू 10.5 किलोमीटर्स, ठीक स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है, इफ़ एन एक्चुअल एरिया ऑफ अ लेक इज 20.81 किलोमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स एरिया ऑन अ मैप। अब ये आपको ना उन्होंने एरिया प्रोवाइड किया गया हुआ है किसी लेक का, और वो 81 किलोमीटर स्क्वायर है, कैलकुलेट्स इट्स एरिया ऑन अ मैप। अब आपने जो एरिया मैप पे है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया स्केल भी आपको इधर प्रोवाइडेड है इस क्वेश्चन के अंदर, और एरिया का आपको पता है कि वो हमने अपनी जो स्केल है उसको स्केल में जो है ना वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 जो इधर किलोमीटर है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सेंटीमीटर्स को, ठीक है। 3 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2/3, और 1 किलोमीटर स्क्वायर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। इसका भी स्केयर ले लेना है हमने जो है ना, और इस वैल्यू का भी स्केयर ले लेना है। और अब आपने स्केयर जो है ना फाइंड किसका करना है, 81 किलोमीटर स्केयर्स का जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक। या आपने इधर फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 81 से, 81 किलोमीटर स्केयर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 का स्केयर 4 और 3 3 9, ठीक है। और आपने मल्टीप्लाई किया इसको जो है ना 81 से, ठीक है, 9 1 9 9 ज़ार और 9 4 ज़ार 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एरिया आ गया मैप के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो सॉल्व्ड। स्टूडेंट अ मैप ऑफ रीजन ऑफ सिंगापुर इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:25,000, इफ टू टाउन्स कौंसिल आर 3.5 किलोमीटर अपार्ट, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। अब दो डिस्टेंस उन्होंने स्केल भी आपको दिया गया हुआ है, और बताया कि दो जो टाउन है ना वो इतनी दूर है, और आपने उसका स्केल फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैप पे जो है ना उसका जो है ना सॉरी स्केल नहीं फाइंड आउट करना है, कि मैप पे उसका कितना डिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग ना वो आपने फाइंड आउट करना है। 225,000 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आपको इधर जो है ना डिस्टेंस दिया गया हुआ है किलोमीटर के अंदर, ठीक है। इसको भी जो है ना आप अपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ के साथ डिवाइड किया तो ये इधर आ गया 0.25 किलोमीटर जो है ना वो हम लिखेंगे, डिवाइड करके इज़ रिप्रेजेंटेड
बाय किसके 1 सेंटीमीटर के, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और 1 किलोमीटर किस तरह रिप्रेजेंट होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2.5, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने इसको इस पर डिवाइड कर दिया। और अब जो है ना आपने 3.5 का करना है, 3.5 किलोमीटर जो है ना इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3.5। इसको जो है ना 3.5 को जो है ना आपने डिवाइड कर देना 0.25 पे, तो ये आपके पास 14 आंसर आ गया। और यही इसका आंसर है, 14 सेंटीमीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन अ मैप, ठीक, जो आपने फाइंड आउट करना था। और पार्ट नंबर 2 में आपने फाइंड करना है, द रिजर्वर हैज़ एन एरिया ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ मैप, कैलकुलेट्स इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। एक रिजर्वर है, एक एरिया जो है ना उसके अंदर जो है ना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है मैप के ऊपर, आपने जो है ना उसका एक्चुअल एरिया जो है ना वो स्क्वायर किलोमीटर्स में जो है ना वो बताना है, ठीक। 1 सेंटीमीटर जो है ना ये स्केल था आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 0.25 किलोमीटर, ठीक है। ये देखें, ये स्केल था, ये स्केल को हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हुए हैं किलोमीटर्स के अंदर, तो ये 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको इसमें किलोमीटर्स के अंदर। और हमने इस वजह से ये स्केल राइट डाउन किया क्योंकि हमने इधर फाइंड आउट करना आंसर्स किलोमीटर्स के अंदर, ठीक स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है ना 1 सेंटीमीटर स्केल रिप्रेजेंट, ठीक, इसका भी जो है ना आप स्केल ले लेंगे, ठीक, इसका आप स्केल ले लेंगे। और उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है किसका, 16 का, और 16 को जो है ना फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या आपने 16 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये स्केयर है, ठीक है, और इधर यूनिट भी किलोमीटर स्केयर, 0.25 स्केयर, ये है आपके पास ये, और ये मल्टीप्लाई बाय 16, 1, ये आपके पास आ रहा है। इसके स्केयर के साथ 16 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 1, ठीक है, ये 1 आंसर आया आपके पास, तो ये हो गया 1 किलोमीटर स्केयर आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज एंड चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 15, द फ्लोर प्लान ऑफ अ बेसमेंट ऑफ अ शॉपिंग सेंटर इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:400। नंबर 1, इफ अ कॉरिडोर हैज अ लेंथ ऑफ 24.5 सेंटीमीटर ऑफ प्लान, फाइंड इट्स एक्चुअल लेंथ, गिविंग यू एन आंसर इन मीटर्स, ठीक है। एक इधर कॉरिडोर का आपको लेंथ दी गई हुई है प्लान पे, ठीक है, उसके मॉडल पे, और आपने फाइंड आउट करनी है एक्चुअल लेंथ, और आपने आंसर्स अपना जो है ना वो मीटर्स में प्रोवाइड करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1, 1 सेंटीमीटर जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया गया हुआ 4 सेंटीमीटर्स, जिसको है ना आप जो है ना 4 मीटर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना ही 4 मीटर, क्योंकि आपने कन्वर्ट करना है इसको अपने आंसर को मीटर्स में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर्स को, और 24.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर्स, 24.5 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 के साथ, तो आपके पास आया 98 मीटर्स, ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास 98 मीटर्स आ गया। पर यही आंसर है, एक्चुअल लेंथ आपने कॉरिडोर की फाइंड आउट कर ली, ये एक्चुअल लेंथ, ठीक है, ये 98 मीटर्स आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऑक्यूपाई अ फ्लोर एरिया 400 मीटर स्केल, कैलकुलेट्स इट्स एरिया ऑन अ प्लान।
अब उन्होंने जो है ना एक्चुअल आपको एरिया दे दिया हुआ रेस्टोरेंट का, और उन्होंने कहा है कि जो है ना इसका प्लान पे जो है ना वो फाइंड आउट करें, ठीक है। पार्ट नंबर टू, 4 meters जो है ना वो रिप्रेजेंटेड हो रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेंटीमीटर से, ठीक है, और 1 meter रिप्रेजेंट हो रहा है 1/4 centimeter से, ठीक है। अगर हम इसका स्केयर ले लेते हैं, फिर हम इसका सेंटीमीटर्स का भी स्केयर ले लेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। और इधर उन्होंने आपको प्रोवाइड किया गया है 400 meter स्केयर, इट्स मींस के जो है ना हम 400 को जो है ना इससे वो 4 × 16 और ये मल्टीप्लाई बाय 400, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 16 आंसर आया हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्केयर्स, ठीक है। और यही आंसर है जो है ना हमारा पार्ट नंबर 3, इफ अ सुपर मार्केट हैज एन एरिया ऑफ 0.25 meters स्केयर ऑन अ प्लान, फाइंड इट्स एक्चुअल एरिया इन हेक्टर्स, 1 hectare इज इक्वल टू 10,000 meter स्केयर्स, ठीक है। अब ये मीटर स्केयर्स में आपको बात दी गई है, तो जो अपना स्केल है ना वो हम के सेंटीमीटर्स में था ना, हम उसको जो है ना अकॉर्डिंग टू मीटर ही करेंगे, कि 1 meter जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 400 meters को, ठीक, और 1 meter स्केयर्स 400 meters का जो है ना वो आपने स्केल ले लिया, ठीक। और उसके बाद जो है ना आपने आपको उन्होंने प्रोवाइड किया गया हुआ एरिया स्केयर, ये 0.25 meter स्केयर आपने इसका जो है ना इससे फाइंड आउट कर लेना है, 4 × 16 = 0, 40 आगे, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपने 0.25 से, ठीक है। ये 400 का मैंने स्केल लेके लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया 0.25 से, ठीक, 1634 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक, ये आपके पास आ गया 40,000, ठीक है, ये आपके पास आ गया 40,000 meter स्केयर्स, ठीक है, 40,000 meter स्केयर्स में आ गया। अब जो है ना आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्टर्स में, और आपको स्केल उन्होंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, एक हेक्टर जो है ना वो 10,000 जो है ना वो मीटर स्केयर के इक्वल है, इट्स मींस कि इसको जो है ना वो हमने 10,000 पे जो है ना वो डिवाइड कर देना है, तो ये हेक्टर्स में चले जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक, इधर आगे यूनिट लिख भी लें हेक्टर्स, ठीक है, और इसने इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया 4, ठीक। तो आपने फिर इसको लास्ट पे लिख लेना दी एक्चुअल एरिया इन हेक्टर्स इज 4, ठीक, एक्चुअल एरिया जो एक्टर है एक्टर्स में आया वो 4 आया, यहाँ आपने लिख लेना है 4 hectares हमारा आंसर आ गया, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो सॉल्व एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए इसके अंदर स्केल ड्राॅइंग के अंदर, उम्मीद करती हूँ कि आप ईजिली कोई भी स्केल ड्रॉ कर सकेंगे, किसी को रीड आउट स्केल को कर सकेंगे, ये रियल लाइफ में भी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व थे, कि आपको मैप रीडिंग बहुत इजी हो जाएगी इस चैप्टर को करने के बाद आपके लिए, आप किसी तरह का भी कोई भी मैप को जो है ना वो इजीली रीड कर सकते हैं और उसको एक्चुअली जान सकते हैं कि एक्चुअली ये कैसा होगा और किस तरह होगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, नाउ इट्स फिनिश्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।